हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और बस अभी रेडी हो गई हूँ। बाल तो ऐसे चिपकू चिपकू हो गए हैं कि ना पूछो बात। अभी रेडी हो गई हूँ पार्लर जाने के लिए, सोची आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ। टिफिन में मैंने रात को बनाया था मूली की सब्जी। आजकल मूलों की भरमार आ रही है तो मूली की सब्जी बना रही हूँ। मूली की सब्जी और साथ में बनाया था मैंने बाजरी का रोटला, तो और मिर्ची तली थी, तो वही ले लिया है टिफिन में और निकल रही हूँ। सुबह सुबह क्या हुआ, अतिथि को न रात को धवल का सपना आया, और पूरा इतना लंबा सपना, बोलती है मम्मी मैं जैसे रात को सोई ना तब से सुबह अलार्म बजने तक मेरा सपना चालू था। तो पता नहीं, शायद वो फर्स्ट मतलब 2-3 साल के बाद इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है, तो धवल ने ना उसके जाने की जर्नी में बहुत साथ दिया था। मतलब स्टार्टिंग से जो अतिथि रशिया गई थी तब से धवल का पूरा सपोर्ट था, मतलब छोड़ने जाने से लेके लेने जाने तक, और उसके बाद शॉपिंग ये सब शुरुआत से उसका मतलब उसका ही साथ था हमको, और उसने बहुत हेल्प किया था, बहुत ज्यादा हेल्प किया था। पता नहीं क्यों अतिथि को सपना आया कि धवल भाई आए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसके साथ, और मैं हूँ, नानी है और धवल भाई है और अतिथि है, और वो सब सब बातें समझा रहे हैं उसको। पता नहीं क्या बातें चल रही है, पर बोलती मुझे बातें कुछ याद नहीं, पर धवल भाई का शर्ट ब्लू कलर का चेक्स वाला शर्ट पहना था। फिर बाद में ना धवल भाई पार्लर में आते और नानी के गेट के यहाँ धवल भाई आते हैं अतिथि, ऐसा सब बता रही थी सपना। तो गेट गेट भी बोलती है मुझे क्लियर दिख रहा है, नानी मुझे क्लियर दिख रही है और धवल भाई इतने क्लियर दिख रहे, पूछे नहीं। और फिर बाद में पार्लर, हम लोग पार्लर पे चले जाते हैं तो धवल पार्लर पे आता है, और वो चेयर पे, जो चेयर पे मैं बैठती हूँ ना, वो चेयर पे आके धवल बैठता था, तो वो चेयर बोलती है मुझे पूरा हूबहू सब दिख रहा है, धवल भाई का शर्ट ब्लू चेक्स का, और बहुत सारी बातें कर रहे। तो वही मैंने समझाया उसको कि बेटा अपनी जर्नी में धवल भाई, इंटरनेशनल ट्रिप पे आप जब भी जाती थी धवल भाई का बहुत सपोर्ट था ना, तो उसकी वजह से शायद, पता नहीं मैं ऐसी पागल हूँ, लेकिन देखो ना ऐसा सब चीजें होती है तो कैसा लगता है। मैंने उसको बोला कि धवल भाई आपसे बात करने आए, आपको बताने आए कि डोंट वरी सब कुछ अच्छे से जाके आओ, क्योंकि हर बार धवल ऐसे ही करता था। और 3 साल तक धवल ना बरोबर अतिथि के 3 साल एयरपोर्ट छोड़ना और एयरपोर्ट से लाना धवल ही रहता था, और जब 4th ईयर में ना धवल नहीं एयरपोर्ट पे आया ना, तो वो जब आई रशिया से तो उसको ऐसा लगा कि धवल क्यों नहीं है, उसको तब भी कुछ कुछ ऐसा मन में कि धवल क्यों नहीं आया, धवल भाई क्यों नहीं आए, धवल भाई क्यों नहीं आए, मन में ऐसा लग रहा था। मतलब उसको थोड़ा सा कि हर बार धवल भाई आते हैं, इस बार धवल भाई क्यों नहीं आए, पर वो तब कुछ बोली नहीं। और फिर ना बाद में घर जाके जब हमने उसको बताया तो रोई तो खूब, लेकिन जो हमने पहले उसको नहीं बताया था, क्योंकि वो रशिया में अकेली थी, सहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो टाइम हमने उसको कुछ भी नहीं बताया था, पर जब वो आई तब हमने बताया, तो वो उतना नहीं रो पाई ना, तो वो ना फिर हम हमेशा धवल को याद करके बीच बीच में ना ऐसे रो लेती है। जब हम तो बहुत रोए ना, पर वो टाइम पे रो नहीं पाई ज्यादा, तो उसके बाद उसको मन में बहुत सारा ऐसा रह गया है। तो मैंने बोला कि बेटा आप हाथ जोड़ के ये कर लेना और धवल भाई को बोल देना कि सब कुछ अच्छा है, और तो क्या बोलूं मैं, बच्चे को क्या समझाऊं ना, ऐसा है। तो ये सब बातें हुई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और तो मैं किसको क्या बताऊंगी और क्या बोलूंगी, जो हम लोग को मन में हो रहा है वैसा तो अब पता नहीं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं पार्लर पे, पर जाने वाले बहुत याद आते हैं और जाने वालों को भी हमारी याद बहुत आती है, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और सब कुछ अच्छा करेंगे जो भी करेंगे वो, है ना गाइस? पता नहीं,
यूनिवर्स में क्या होता रहता है हमें कुछ पता नहीं, जाने के बाद हम कहाँ जाते, हम क्या करते, हम कैसे और क्यों लोगों को इतना याद आते हैं वो भी पता नहीं। तो बस सुबह सुबह अतिथि को समझाने को मुझे आधा घंटा लगा। बच्चा है ना, थोड़ा सा डर भी जाता है। अतिथि को ना दुबई जाने के लिए दिरहम नहीं मिले। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से ही थोड़े बहुत दिला देती थी तो अच्छा रहता था। एटलीस्ट हर जगह कार्ड कहाँ चलवाएगी वो, अपना कम से कम पानी वानी का तो इंतजाम कर सकती थी। वहाँ पे बहुत गर्मी है और अतिथि को तो ओवर लिमिट गर्मी लगती है। तो रात से मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिरहम उसको लेके गई तो मिल जाता था वहां। वो ढूंढी लेकिन नहीं मिला उसको, तो मैंने उसको समझा दिया कोई बात नहीं बेटा चले जाओ बिंदास। आप रशिया जाती थी तो कैसे बिंदास जाती थी, जहां भी एटीएम दिखा वहां से पैसा निकाल लेना। तो बस वही है। और उसने बहुत कोशिश किया एयरपोर्ट लाउंज पे, उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चले, लेकिन उसके पास जो कार्ड है ना तो वो वहां पे नहीं चल रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सा इस पे से सर्च किया कि कौन से कार्ड चलते हैं, एक कार्ड वैसा बनवा लेना है। आ गई हूँ पार्लर से, शाम को बटाटा वड़ा बनेगा तो हरा धनिया ले ली, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा। ये मैंने पहनते तो पहन लिया लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत गर्मी लगेगी। तो आज तो बहुत हीट है मुंबई में, पता नहीं इतना गर्म क्यों हो रहा है। और ये वाला मुझे जरा अच्छा लगता है, मतलब कोजी कोजी लगता है, तो पहन लेती हूँ। अभी थोड़े दिन ही पहन सकती हूँ, बाद में तो वापस गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे लगता है आज पहनी, इसके बाद तो मैं नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि मुंबई तो ठंडी का नामो निशान नहीं रहता है। थोड़ी सी ठंडी पड़ी और फिर गर्मी होने लगी। और अतिथि ने मेथी का पराठा बनवाया कल लेके जाने के लिए, तो रास्ते से अभी ऑफिस जा रही थी तो रास्ते से गरम गरम खाते हुए निकली तो बोलती मम्मी इतना टेस्टी लग रहा है, क्योंकि सादा सादा खाना खा के वो भी कंटाल जाती है। मम्मी के हाथ का खाना और ऐसे अलग फर्क पड़ ही जाता है ना, कभी सब्जी रहती है उसके पास ना कुछ। तो मेथी का परोठा बहुत अच्छा लगा उसको, बोलती एक और लेके आती तो अच्छा रहता था, अभी खा लेती थी। वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है ना तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे भी लगी है भूख, मैं लाई हूँ सेव कुरमुरा और रात का खाना तो है ही, रात का खाना दोपहर को खाऊंगी, आज बच्चे आने वाले नहीं है। तो बस तो आज का वीडियो ना मैं शायद उतना ही बनाती हूँ, मुझे धवल भाई के बारे में बोलना था बस वही है। और भगवान उनको एकदम से पीस दे बस, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। रोना रोना आ जाता है अगर याद आती है ना, मतलब ओ गॉड वो टाइम मुझे याद आता है ना, तो मैंने कैसे सहन किया था, पूरा डिप्रेशन में चली गई थी मैं। मतलब इतना डिप्रेशन हो रहा था मुझे, उसमें से मुझे बाहर निकलने में 1 साल लगा, 1 साल हो गया मुझे उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलने में। और मैं थोड़ा सा सेंसिटिव भी ज़्यादा हूँ, मैं मुझसे कुछ भी बात सहन नहीं होती। और धवल के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर बात में धवल सुबह रात अखा दिन आता था, बातें करते थे, कुछ भी मुझे कहीं जाना हो आना हो बस धवल का मुझे पूरा सपोर्ट रहता था, हेल्प रहता था। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।